हाँ तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी टोटल वार थ्री किंगडम गेम के बारे में जरूर सुना होगा। तो आज हम इसी गेम के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बार। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, टोटल वार थ्री किंगडम गेम को बनाया है क्रिएटिव असेंबली और उसे पब्लिश किया है सेवेक गेम्स ने। और गेम रिलीज डेट की बात करें तो यह गेम इसी महीने की 10 तारीख को मतलब 10 जनवरी 2018 को पूरी दुनिया के लिए रिलीज हो गया था। और हम इस गेम की स्टोरी की बात करें तो इस गेम की स्टोरी सेम उसी प्रकार है जैसे आप अपने फिल्मों में देखा होगा पुराने जमाने में किस प्रकार लड़ाई होती थी, बहुत सारे सैनिक होते थे, जैसे आपने बाहुबली में देखा होगा, सेम उसी प्रकार की इस गेम में लड़ाई है। और यह एक मल्टीप्लेयर गेम है, मतलब इसके अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस गेम को खेल सकते हैं। सेम जैसे बाहुबली के अंदर बहुत सारे सैनिकों के साथ लड़ाई की गई थी, सेम उसी प्रकार की इसमें लड़ाई है। सेम वही है, इसमें भी तलवारों के साथ लड़ाई की जाती है, वही घोड़े हाथी सब सब कुछ है गेम के अंदर। जब आपको इस गेम खेलने एक पुराने जमाने की लड़ाइयों की फीलिंग आएगी, तो आपको यह गेम खेला था। तो यह गेम स्टीम पर पीसी के लिए रिलीज हो चुका है। यह गेम पीसी, PS4 और एक्सबॉक्स वन तीनों ही प्लेटफॉर्म के लिए यह गेम रिलीज हो चुका है। और हम इसकी पीसी सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस गेम को खेलने के लिए आपको 2 GB ग्राफिक चाहिए, 8 GB रैम और 15 GB डिस्क स्पेस चाहिए। जब आप इस गेम को स्टीम पर जाकर खेला जाते हैं, पीसी में खेला जाता है, इस गेम को स्टीम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।